यार बहुत एक्साइटेड हैं ऑब्वियसली, सर की फिल्म है और आयुष्मान है एंड वी ऑल आर टुगेदर एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. अभी तक कुछ दोस्तों ने देखी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सो जस्ट जाके इन्जॉय करें. नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया था कि फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए. बहुत अच्छा है फिल्म रिलीज़ हो रही है. हर चीज़ से हमें कुछ सीखना चाहिए, ना सिर्फ उसकी कमियां निकालते रहो हर चीज़ में. हर चीज़ में क्रिटिसिज्म मुझे लगता है अच्छा नहीं होता. हर चीज़ से कुछ अगर पॉजिटिव सीखें, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट. यार क्यों नहीं, मैं एक्चुअली मैंने अभी पूरी देखी नहीं है, मैं डेफिनेटली जाके देखना चाहता हूँ. बट जो टॉपिक है वो डेफिनेटली ऐसा है, और अगर वो बात लोगों तक तो कन्वे हो, जितनी ज़्यादा कन्वे हो उतना ज़्यादा अच्छा. थैंक यू. थैंक यू. बारिश होने वाली है, जल्दी बोलो. थैंक यू. अभी तो फिलहाल डाइजेस्ट चीज़ें नहीं हुई है कि ऐसा हो गया है कि इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है फिल्म को. तो अभी थोड़े दिन में शायद मुझे, जब पिक्चर थोड़ी सी और एक दो हफ्ते पुरानी हो जाएगी, तो मुझे शायद तब थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस होगी. बट फिलहाल तो आई एम वेरी हैप्पी. बदला से साल शुरू हुआ है, उसके बाद गेम ओवर. अब मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है इस साल. ये इस फिल्म को मैं काफ़ी समय से जानती हूँ, मुल्क से जानती हूँ इस फिल्म के बारे में. मतलब कहानी का आइडिया है मुझे, बिकॉज अनुभव सर से काफ़ी बात हुई है इस फिल्म के बारे में. तो इसलिए अब मैं देखना चाहती हूँ कि वो जो सब ने बातें करी थी वो स्क्रीन पर उतर के कैसी लगती है. वो तो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे मेरी पिक्चरों में भी कह चुके हैं, तो मेरे को तो आदत हो गई है. मैं क्या बोलूँ इस बात में, मेरे लिए कोई नया नहीं है कमेंट. अरे आउटफिट छोड़ो, मेरे पिक्चर देखने दो यार प्लीज़. थैंक यू. मुझे लगता है अनुभव सिन्हा सर ने एक बहुत कमाल की एक डिफरेंट इनिंग्स खेली है आफ्टर मुल्क, एंड ये उनकी दूसरी फिल्म है. और हर जगह से बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं. बहुत कम लोग होते हैं जो रियल इश्यूज़ पर वही चीज़ कहते हैं जो कहनी चाहिए, बिना उन्हें छुपाए, बिना कुछ लेयर्स लगाए. एंड आई थिंक अनुभव सर डज दैट. और आई बीन लकी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला उनकी तीसरी फिल्म में. And looking forward to this one. I'm sure it's going to be an eye-opener for many and shock a lot of them. And I think it's something very relevant for today's society. So looking forward. Just tarah ke maker Anubhav sir, I think he says things the way they are. और बिना देखे फिल्म को मैं अभी तो कुछ नहीं कहना चाहती, बट मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ जैसे कहनी चाहिए उसे कब करना चाहिए. वी लिव इन अ डेमोक्रेसी एंड वी शुड से द थिंग्स द वे दे शुड बी सेड. जो फिल्में लोगों को दिखाई जानी चाहिए जो उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें डेफिनेटली टैक्स फ्री करना चाहिए. शुक्रिया. थैंक्स. बैठ दूंगा मेरी, मैं आता हूँ ना बाहर.
अनुभव की फिल्म है, अनुभव करनी चाहिए लोगों को। और ये फिल्म इतनी आसानी से अगर इस देश में बंद होने लगे तो फिर डेमोक्रेसी का क्या काम है इस देश में। मेरे हिसाब से तो हर फिल्म टैक्स फ्री हो जानी चाहिए। बहुत ही एक्साइटेड हूँ, अनुभव बहुत पुराना दोस्त है हमारा, और दोस्त है हमारे बहुत पुराने और अजीज़ हैं, और अच्छी फिल्में बनाते हैं बहुत, तो इसलिए बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म बाहर आ रही है, और बहुत बहुत मुबारक हो उनको और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। एक्साइटेड तो बहुत हूँ बिकॉज अंकिता की बुआ जो अंकिता के फूफा जी जो है मनोज जी एंड अंकिता ब्रदर जीशान वो दोनों इस फिल्म में हैं एंड आई हैव हर्ड दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। एंड जो मुद्दा इन्होंने उठाया है फिल्म में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, बिकॉज अब इतने सालों से भारत सो रहा है, अब जागने की ज़रूरत है यार। आई थिंक इन टॉपिकों को जब तक नहीं छेड़ा जाएगा, जब तक लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा, आई डोंट थिंक देश की हालत सुधर पाएगी। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो लोग सुधरना नहीं चाहते, जो चाहते कि फिल्म रिलीज ना हो, बिकॉज आई थिंक ये फिल्में हैं जो आंखें खोलती हैं एंड जो गलत हो रहा है उससे दिखाती हैं, सो इससे हमें सीखना चाहिए ना कि इसका अपोजिशन करना चाहिए। यार वो तो मैं पूरी फिल्म देखने के बाद ही बता पाऊंगा आपको, अब तक हाई ट्रेलर देखा है, बट आई थिंक इफ दिस फिल्म इज कैरिंग अ सोशल मैसेज देन डेफिनेटली शुड बी अ टैक्सी फिल्म। बस इंशाल्लाह इन्हीं फैंस की दुआ से, प्यार से, अगर इसी तरह वो लोग प्यार करते रहे तो जल्द ही शायद बड़े पर्दे पर भी दिखेंगे। थैंक यू, आएंगे बाद में लाता हूँ। मुझे ट्रेलर बहुत ही ऐसे धमाकेदार लगा और बहुत ही इंटेंस और बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आई मीन आई एम श्योर वी गोना वॉच सो मेनी थिंग्स जो हमने पहले फिल्मों में नहीं देखी है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट जो हमारे संविधान आर्टिकल 15 जो मेंशन है उसके ऊपर पूरा फिल्म है, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट अ रियलिस्टिक फिल्म। क्यों नहीं रिलीज़ करना चाहिए, बट मुझे तो लगता है कि अगर आप कोई भी फिल्म आप इतनी अच्छी बना रहे हो तो सारी फिल्में जितनी भी रिलीज डिजर्व करती हैं। थैंक यू सो मच, श्योर। जान कैसी लगी बारिश, इस गर्मी वाली बारिश कैसी लगी? बस या वेल आर्टिकल 15 का प्रोमो हर गाने
कॉन्सेप्ट सब कुछ बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली जब जैसे ही ट्रेलर आता है तभी आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। तो आई थिंक ये आर्टिकल 15 का जैसे ही ट्रेलर आया तभी मन बन गया था कि हमें ये फिल्म देखनी है। देखिए जब सेंसर बोर्ड पास कर देता है तो आई थिंक वो पूरा एक टीम बैठी रहती है और वो डिसाइड करती है। जब वहाँ से पास हो गई है तो उसके बाद तो मुझे लगता है नहीं है कि किसी भी फिल्म को रोका जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो फिल्म हमारी समाज को कुछ सिखाता है और कुछ दर्शाता है तो डेफिनेटली ऐसे फिल्मों को टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए और फिल्म देखें, क्योंकि फिल्म हमारी कल्चर को दर्शाता है, बहुत कुछ सिखाता है। आई थिंक ये एक ऐसा मीडियम है जो बहुत कुछ सिखा सकता है और बहुत कुछ बदलाव कर सकता है। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे अनरिवील मुझे लगा कि आप बोल रहे हो बाल खोल के रिवील कर दो। नहीं इसके लिए सरप्राइज है। थैंक यू। पता है ना कि कोई कौन सा सवाल नहीं पूछना, ये पता है ना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 देखने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे अनुभव सर ने फिल्म बनाई है, एक ऐसी हकीकत हमारे समाज की, हमारे देश की, जिसे हम अक्सर झुठलाना चाहते हैं, जिससे हम अक्सर अपना मुंह मोड़ना चाहते हैं। एंड आई एम रियली रियली ग्लैड दैट कमर्शियल मेनस्ट्रीम बॉलीवुड ऐसे मुद्दों पे कहानियाँ बना रहा है। किसी ने इस फिल्म के साथ ऐसा बोला? आई मीन देखिए, आई पर्सनली फील कि बैनिंग और ये जो होता है ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है और इसको ऐसी रैंडम डिमांड नहीं करते रहना चाहिए। हमारे देश में एक संस्था है, एक प्रणाली है, प्रोसीजर है जिसके तहत सेंसिटिव इश्यूज डिस्कस होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वो सेंसर बोर्ड है। और जो CBFC की कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी है, वो है। जो FCAT का पैनल है, वो है। सो आई थिंक दीज आर डिस्कशंस दैट यू नो वो उन लोगों को ये निर्णय लेने चाहिए, ना ही मॉब्स को। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बॉलीवुड एक सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी आसानी से मिलती है। स्टार्स जो हैं, सेलिब्रिटीज़ जो हैं, उनके चेहरे पहचाने जाते हैं। तो खुद विजिबिलिटी पाने का सबसे आसान तरीका है किसी एक सेलिब्रिटी या स्टार को अटैक करो और उनके दम पे और उनके नाम के दम पे फिर खुद भी आप अपने ग्रुप को थोड़ा ऐसे PR दे दो। तो वो हमने पिछले सालों में ये ट्रेंड काफ़ी देखा है, कई फिल्मों के साथ हुआ है।
And I think it's a very, not a helpful trend, it's a harmful trend. And I think that Bollywood is a soft target. And I think that considering ki hum itna heavy entertainment tax dete hain, to hame kuch protection aur suvidhaen to milni hi chahiye, aur kuch ho na ho. Yeah, can you just answer this? Tell him I'm tracking in media and he should come here. Sorry. देखिए आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आप इस देश की एक बहुत छोटी माइनॉरिटी में से होंगे. ज़्यादातर तो मुझे अपने थॉट्स के लिए काफ़ी सारी गालियाँ ही मिलती हैं. बट आई थिंक दैट देखिए अगर आपके आपके पास करेज ऑफ कन्विक्शन हो और आपको अपने विचारों में विश्वास हो तो इट डजेंट मैटर लोग क्या कहेंगे. आपको पता है कि आप सच और सही के साथ खड़े हैं. Hello. Congratulations. Thank you. Gorgeous. Thank you. Congratulations. I love your saree. Thanks, yeah. Dekhi heroine What's up? Sorry. How are we? आप इनका इंटरव्यू ले लो आप. Very good. नहीं अभी कई सालों तक मुझे पॉलिटिक्स में घुसने का का कोई प्लान नहीं है और कोई मंशा नहीं है मेरी. लेकिन लगता है आप मेरी दुकान बंद कराना चाहते हैं जल्दी. Hello. How are you? Good to see you. Hi, of course. Very well. Hi, how are you? Hi guys, how's it going? Please, khatam karke aaye. Please. Haan ji. यार टचवुड सबकी मेहनत जो है वो ऑलरेडी ट्रेलर से और कुछ तो रिव्यूज़ ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं. किसी ने 4 स्टार दिए, किसी ने 5 स्टार दिए हैं. टचवुड और भैया की परफॉर्मेंस की टचवुड पर फिर से तारीफ हो रही है. यू आर एब्सोल्युटली राइट कि पिछला साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहा. होपिंग फॉर अनदर क्रैक ऑफ अ ईयर एंड आई थिंक ही हैज़ वर्क रियली 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 हार्ड टू डू व्हाट ही इज़ डूइंग टू अचीव व्हाट ही इज़ अचीव्ड. एंड या फिंगर्स क्रॉस फॉर दिस वन इज़ वेल. यार देखो अगर आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म करनी है उसके साथ कुछ ना कुछ तो विवाद जुड़ने की संभावना होती है. उसको तभी आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं, तभी उसको कहते हैं कि वो नॉर्मल फिल्म से अलग फिल्म है. वो कुछ ऐसे मुद्दों को मुद्दों पे बात करती है जो अक्सर लोग जिसका परहेज करते हैं जो बात करना. सो अगर किसी ने ये हिम्मत जुटाई है, अगर किसी राइटर ने डायरेक्टर ने उसके ऊपर स्टोरी उसके ऊपर फिल्म बनाने की कोशिश की है, किसी एक्टर ने उसमें एक्टिंग करने की कोशिश की है और ऐसी कहानी आपके सामने रखने की कोशिश की है, आई थिंक इसका फ्लिप साइड ये है. लोग कहते हैं कि यार अलग क्या है, अगर कोई नॉर्मल फिल्म कर दें कोई तो यार अलग क्या किया फिल्म में. अब अगर अलग करने जाएँ तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आई थिंक इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट फॉर द फिल्म. बट हैविंग सेड दैट आई थिंक दे हैव सरपास्ड दैट स्टेज एंड रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. दैट्स व्हाट पीपल आर लाइकिंग द फिल्म एंड गॉड ब्लेस द फिल्म, गॉड ब्लेस the filmmakers, the everyone. Yaar Kudiye Ni mera pehla single, I have composed it, written it and sung it. And yeah, touchwood, getting a lot of love from everyone around. So yeah, let's see. Few lines. Kudiye Ni mere dil vich vas ja, Kudiye Ni tere bin main nahi ho jachda, Kudiye Ni main tera deewana. What's up, Rishu? How's it going? एक और कुड़िये नहीं आ गई है साथ में. कुड़िये नहीं से पहले कुड़िये नहीं से सवाल पूछो. बहुत बहुत बढ़िया. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी फिल्म देखने के लिए. आई वॉज सो 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 एक्साइटेड कि आज रात ये करना है. मतलब डिनर प्लान अलग बात है, ये सब अलग बात है, लेकिन पहले फिल्म देखते हैं. टोटली कुड़िये नहीं मेरे दिल विच बस जा. तो हमने क्रिस्टल ने पहले ही सुन लिया था गाना, रिलीज होने से पहले क्रिस्टल सुन चुकी थी. तो या तो मैं जब इसने अपनी राय दी तो मैं क्रिस्टल क्लियर था इन द हेड कि ये ठीक है पारा का. हां जी सुपर. यार मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फिल्म हो, कोई अच्छी फिल्म बने तो वो इन एनी केस लोगों के लिए ज़्यादा अप्रोचेबल होनी चाहिए.
آف کورس کچھ کچھ چیزیں جو یو نو سوشل فرنٹ پہ زیادہ یو نو آپ کو اپیل کرتی ہیں, آئی تھنک انڈیویجول گورنمنٹس اینڈ دا سینٹرل گورنمنٹ ایز ویل کین اف پاسبل کین گیو اے لاٹ آف ڈیبیٹ. It is just much better like that, but I mean the government knows best and we can only hope for the best. Yeah. Thank you so much guys, thank you, thank you, thank you. Hey, we're all green. Hi. Hi. Hello, 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 hello. نہیں مجھے ساری میرا فیوریٹ آؤٹ فٹ ہے, تو میں نے سوچا اتنا ایکسائٹنگ فلم ہے, آج بہت شبھ دن ہے اور یہ مجھے اچھا لگا, پہننے کا من کیا تو پہن لیا. کیا وواد ہے یار, کوئی وواد نہیں ہے سچ میں. ہاں پروٹیسٹ ہوئے, مجھے تو نہیں پتا, مجھے سچ میں نہیں پتا, کسی نے بس بولا کہ ہاں کسی کے خلاف ہے, پر خلاف ہے نہیں, آپ فلم دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کسی کے بھی خلاف نہیں ہے. بس ایک ہمارا, ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کا ایک ریئل ریپرزنٹیشن ہے, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈسکریمنیشن تو ہوتا ہی ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, ہم لوگ کرتے ہیں ڈسکریمنیٹ دوسرے لوگوں کو, اور کاسٹ بیسڈ ڈسکریمنیشن تو عرصوں سے ہوتے آ رہے ہیں, ابھی بھی ہو رہا ہے. تو ہاں مطلب یہ کوئی الگ بات نہیں ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پر یہ فلم بہت ہی آنیسٹ ریئل ایک ریپرزنٹیشن ہے, اور آپ فلم دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا, اور ایکچولی انویسٹیگیٹو ڈرامہ ہے تو انٹرٹیننگ بھی ہے, بہت اچھے ایکٹرز ہے, تو بہت اچھا لکھا گیا تھا اسکرپٹ, سو یا اٹس شاٹ ریئلی بیوٹیفلی, سو آئی تھنک ایز اے فلم اٹس اے ریئلی ہولسم فلم. ایکچولی اتنے چیلنجز تھے نہیں, آئی تھنک دی انٹینٹ واز ویری کریکٹ, وچ واز ٹو پلے اٹ ایز اوتھینٹکلی ایز پاسبل, اینڈ انوبھو سنہا ایسے ڈائریکٹر ہے, وہ بہت ہی کلیئر ہے ان کو کیا چاہیے, تو ویسے اگر ڈائریکٹر ملتا ہے اور جب اسکرپٹ بہت ہی اچھے سے ڈیٹیل میں لکھا جاتا ہے, گورو سولنکی جو رائٹر ہے وہ بھی تھے سیٹ پہ اور اتنے اچھے ایکٹرس, تو آئی تھنک اٹ وازنٹ سو ڈیفیکلٹ, یو نو دا موسٹ چیلنجنگ پارٹ واز ایکچولی ٹو گیٹ دی ایکسنٹ رائٹ, اینڈ تاکہ ادھر کا بھی نہیں ہو ادھر کا بھی نہیں ہو, کریکٹ ہو اور سب کا ایکسنٹ مور اور لیس ملے, تو آئی تھنک دیٹ واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ. ٹیکس ہاں پلیز کر دیجیے. ایکچولی ایسی فلمیں بہت سارے ڈائیلاگز ہے, بہت ساری بات چیت ہے جو ایسے فلموں سے انیشیٹ ہوتی ہے, اس کا شروعات ہوتا ہے ایسی فلموں سے, اینڈ آئی تھنک دیٹس وائی مائی فرینڈ ہیئر از سیئنگ کہ اس فلم کو ایسے ٹیکس فری کر دینا چاہیے, بہت بڑھیا ہوگا اگر کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ بات ایسی بات کہتی ہے فلم جو شاید بہت لوگ کہنے سے کترائے, اور یہ بہت ہی ایک بہت ہی بریو ایک انٹینشن سے بنائی گئی فلم ہے, سو آئی تھنک اگر ہوتا ہے تو بہت بڑھیا ہوگا. تھینک یو, تھینک یو سو مچ, پلیز کم واچ دا فلم. میں ادھر جا رہی ہوں ایسے. وہ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں, بہت سارے میری پکچروں میں بھی کہہ چکے ہیں, تو میرے کو تو عادت ہو گئی ہے, میں کیا بولوں اس بات میں, میرے لیے کوئی نیا نہیں ہے کامنٹ. ارے آؤٹ فٹ چھوڑو, میں پکچر دیکھنے دو یار پلیز, تھینک یو.
मुझे लगता है अनुभव सिन्हा सर ने एक बहुत कमाल की एक डिफरेंट इनिंग्स खेली है आफ्टर मुल्क, एंड ये उनकी दूसरी फिल्म है और हर जगह से बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो रियल इश्यूज़ पर वही चीज़ कहते हैं जो कहनी चाहिए, बिना उन्हें छुपाए, बिना कुछ लेयर्स लगाए, एंड आई थिंक अनुभव सर डज दैट। और आई बीन लकी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला उनकी तीसरी फिल्म में, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर मेनी एंड शॉक अ लॉट ऑफ देम, एंड आई थिंक इट्स समथिंग वेरी रेलेवेंट फॉर टुडे सोसाइटी, सो लुकिंग फॉरवर्ड। जिस तरह के मेकर अनुभव सर, आई थिंक ही सेज थिंग्स द वे दे आर, और बिना देखे फिल्म को मैं अभी तो कुछ नहीं कहना चाहती, बट मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ जैसे कहनी चाहिए उसे कर्ब करना चाहिए। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी एंड वी शुड से द थिंग्स द वे दे शुड बी सेड। जो फिल्में लोगों को दिखाई जानी चाहिए जो उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें डेफिनेटली टैक्स फ्री करना चाहिए। शुक्रिया, थैंक्स। अनुभव की फिल्म है, अनुभव करनी चाहिए लोगों को, और ये फिल्म इतनी आसानी से अगर इस देश में बंद होने लगे तो फिर डेमोक्रेसी का क्या काम है इस देश में। मेरे हिसाब से तो हर फिल्म टैक्स फ्री हो जानी चाहिए। बहुत ही एक्साइटेड हूँ, अनुभव बहुत पुराना दोस्त है हमारा, और दोस्त है हमारे बहुत पुराने और अजीज़ हैं, और अच्छी फिल्में बनाते हैं बहुत, तो इसलिए बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म बाहर आ रही है, और बहुत बहुत मुबारक हो उनको और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। एक्साइटेड तो बहुत हूँ बिकॉज अंकिता की बुआ जो अंकिता के फूफा जी जो है मनोज जी एंड अंकिता ब्रदर जीशान, वो दोनों इस फिल्म में हैं, एंड आई हैव हर्ड देव डन अ ब्रिलियंट जॉब, एंड जो मुद्दा इन्होंने उठाया है फिल्म में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, बिकॉज अब इतने सालों से भारत सो रहा है, अब जागने की ज़रूरत है यार। आई थिंक इन टॉपिकों को जब तक नहीं छेड़ा जाएगा, जब तक लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा, आई डोंट थिंक देश की हालत सुधर पाएगी। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो लोग सुधरना नहीं चाहते, जो चाहते कि फिल्म रिलीज ना हो, बिकॉज आई थिंक ये फिल्में हैं जो आंखें खोलती हैं एंड जो गलत हो रहा है उससे दिखाती हैं, सो इससे हमें सीखना चाहिए, ना कि इसका अपोजिशन करना चाहिए। यार वो तो मैं पूरी फिल्म देखने के बाद ही बता पाऊंगा आपको, अब तो हाई ट्रेलर देखा है, बट आई थिंक इफ इफ दिस फिल्म इज कैरिंग अ सोशल मैसेज देन डेफिनेटली शुड बी अ टैक्सी फिल्म। बस इंशाल्लाह इन्हीं फैंस की दुआ से, प्यार से, अगर
اسی طرح وہ لوگ پیار کرتے رہے تو جلد ہی شاید بڑے پردے پر بھی دیکھیں گے. تھینک یو. آئیں گے بعد میں لاتا ہوں. مجھے ٹریلر بہت ہی ایسے دھماکے دار لگا اور بہت ہی انٹینس اور بہت انٹرسٹنگ لگا. آئی مین آئی ایم شیور وی گونا واچ سو مینی تھنگس جو ہم نے پہلے فلموں میں نہیں دیکھی ہیں, بیکاز اٹس آل اباؤٹ جو ہمارے سمویدھان آرٹیکل 15 جو مینشن ہے اس کے اوپر پورا فلم ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس کوائٹ اے ریئلسٹک فلم. کیوں نہیں ریلیز کرنا چاہیے, بٹ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی فلم آپ اتنی اچھی بنا رہے ہو تو ساری فلمیں جتنی بھی ریلیز ڈیزرو کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ. شور. جان کیسی لگی بارش, اس گرمی والی بارش کیسی لگی؟ بس ویل آرٹیکل 15 کا پرومو, ہر گانے, کانسیپٹ, سب کچھ بہت ہی عمدہ ہے, بہت ہی اچھا ہے. ایکچولی جب جیسے ہی ٹریلر آتا ہے تبھی آپ ڈیسائڈ کر لیتے ہو کہ آپ کو فلم دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی ہے. تو آئی تھنک یہ آرٹیکل 15 کا جیسے ہی ٹریلر آیا تبھی من بن گیا تھا کہ ہمیں یہ فلم دیکھنی ہے. دیکھیں جب سینسر بورڈ پاس کر دیتا ہے تو آئی تھنک وہ پورا ایک ٹیم بیٹھی رہتی ہے اور وہ ڈیسائڈ کرتی ہے. جب وہاں سے پاس ہو گئی ہے تو اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے نہیں ہے کہ کسی بھی فلم کو روکا جائے. بالکل بالکل, جو فلم ہماری سماج کو کچھ سکھاتا ہے اور کچھ درشاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایسے فلموں کو ٹیکس فری کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں لوگ آئے اور فلم دیکھیں, کیونکہ فلم ہماری کلچر کو درشاتا ہے, بہت کچھ سکھاتا ہے. آئی تھنک یہ ایک ایسا میڈیم ہے جو بہت کچھ سکھا سکتا ہے اور بہت کچھ بدلاؤ کر سکتا ہے. نہیں بالکل نہیں, ایسے ریویل مجھے لگا کہ آپ بول رہے ہو بال کھول کے ریویل کر دو. نہیں اس کے لیے سرپرائز ہے. تھینک یو.
पता है ना कि कोई कौन सा सवाल नहीं पूछना, ये पता है ना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 देखने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे अनुभव सर ने फिल्म बनाई है। एक ऐसी हकीकत हमारे समाज की, हमारे देश की, जिसे हम अक्सर झुठलाना चाहते हैं, जिससे हम अक्सर अपना मुंह मोड़ना चाहते हैं। एंड आई एम रियली रियली ग्लैड दैट कमर्शियल मेनस्ट्रीम बॉलीवुड ऐसे मुद्दों पे कहानियाँ बना रहा है। किसी ने इस फिल्म के साथ ऐसा बोला? आई मीन देखिए, आई पर्सनली फील कि बैनिंग और ये जो होता है ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है और इसको ऐसी रैंडम डिमांड नहीं करते रहना चाहिए। हमारे देश में एक संस्था है, एक प्रणाली है, प्रोसीजर है, जिसके तहत सेंसिटिव इश्यूज डिस्कस होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वो सेंसर बोर्ड है। और जो CBFC की कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी है, वो है। जो FCAT का पैनल है, वो है। सो आई थिंक दीज आर डिस्कशंस दैट यू नो वो उन लोगों को ये निर्णय लेने चाहिए, ना ही मॉब्स को। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बॉलीवुड एक सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी आसानी से मिलती है। स्टार्स जो हैं, सेलिब्रिटीज़ जो हैं, उनके चेहरे पहचाने जाते हैं। तो खुद विजिबिलिटी पाने का सबसे आसान तरीका है किसी एक सेलिब्रिटी या स्टार को अटैक करो और उनके दम पे और उनके नाम के दम पे फिर खुद भी आप अपने ग्रुप को थोड़ा ऐसे PR दे दो। तो वो हमने पिछले सालों में ये ट्रेंड काफ़ी देखा है, कई फिल्मों के साथ हुआ है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी नॉट अ हेल्पफुल ट्रेंड, इट्स अ हार्मफुल ट्रेंड। एंड आई थिंक दैट बॉलीवुड इज़ अ सॉफ्ट टारगेट। एंड आई थिंक दैट कंसिडरिंग कि हम इतना हैवी एंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं, तो हमें कुछ प्रोटेक्शन और सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए, और कुछ होना हो। या कैन यू ट्रैकिंग मीडिया एंड ही शुड कम हियर, सॉरी। देखिए, आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आप इस देश की एक बहुत छोटी माइनॉरिटी में से होंगे। ज़्यादातर तो मुझे अपने थॉट्स के लिए काफ़ी सारी गालियाँ ही मिलती हैं। बट आई थिंक दैट देखिए, अगर आपके पास करेज ऑफ कन्विक्शन हो और आपको अपने विचारों में विश्वास हो, तो इट डजंट मैटर लोग क्या कहेंगे, आपको पता है कि आप सच और सही के साथ खड़े हैं। हेलो, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, गॉर्जियस, हाउ आर यू, कांग्रेचुलेशंस, आई लव योर साड़ी, थैंक्स यार। देखिए, हीरोइन आपके सामने, व्हाट्स अप, हाउ आर यू, आप इनका इंटरव्यू ले लो आप। वेरी गुड। नहीं, अभी कई सालों तक मुझे पॉलिटिक्स में घुसने का कोई प्लान नहीं है और कोई मंशा नहीं है मेरी, लेकिन लगता है आप मेरी दुकान बंद कराना चाहते हैं जल्दी। हेलो, हाउ आर यू, good to see you, hi, of course, hi guys, how's it going, please khatam karke aaye, please, haan ji, यार टचवुड, सबकी मेहनत जो है वो ऑलरेडी ट्रेलर से और कुछ तो रिव्यूज़ ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, किसी ने 4 स्टार दिए, किसी ने 5 स्टार दिए हैं। टचवुड और भैया की परफॉर्मेंस की टचवुड को फिर से तारीफ हो रही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि पिछला साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, होपिंग फॉर अनदर क्रैक ऑफ अ ईयर, एंड आई थिंक ही हैज़ वर्क्ड रियली 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 हार्ड टू डू व्हाट ही इज़ डूइंग, टू अचीव व्हाट ही इज़ अचीव्ड, एंड या फिंगर्स क्रॉस फॉर दिस वन इज़ वेल। यार देखो, अगर आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म करनी है, उसके साथ कुछ ना कुछ तो विवाद जुड़ने की संभावना होती है, उसको तभी आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं, तभी उसको कहते हैं कि वो नॉर्मल फिल्म से अलग फिल्म है। वो कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करती है जो अक्सर लोग जिसका परहेज करते हैं जो बात करना। सो अगर किसी ने
ये हिम्मत जुटाई है, अगर किसी राइटर ने डायरेक्टर ने उसके ऊपर स्टोरी उसके ऊपर फिल्म बनाने की कोशिश की है, किसी एक्टर ने उसमें एक्टिंग करने की कोशिश की है और ऐसी कहानी आपके सामने रखने की कोशिश की है, आई थिंक इसका फ्लिप साइड ये है, लोग कहते हैं कि यार अलग क्या है, अगर कोई नॉर्मल फिल्म कर दे कोई तो यार अलग क्या किया फिल्म में, अब अगर अलग करने जाएँ तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आई थिंक इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट फॉर द फिल्म, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक दे हैव सरपास्ड दैट स्टेज एंड रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, टच टू पीपल आर लाइकिंग द फिल्म एंड गॉड ब्लेस द फिल्म, गॉड ब्लेस द फिल्म मेकर्स, एवरीवन। यार कुड़िये नी मेरा पहला सिंगल है, कंपोज इट, रिटन इट एंड सांग इट, एंड या टच वुड गेटिंग अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम एवरीवन अराउंड, सो या लेट्स सी फ्यू लाइंस। कुड़िये नी मेरे दिल विच बस जा, कुड़िये नी तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा, कुड़िये नी मैं तेरा दीवाना, कुड़ व्हाट्सएप रिसु हाउ इज गोइंग, एक और कुड़िये नी आ गई है साथ में, कुड़िये नी से पहले कुड़िये नी से सवाल पूछो। बहुत बहुत बढ़िया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी फिल्म देखने के लिए, आई वाज सो एक्साइटेड कि आज रात ये करना है, मतलब यू नो डिनर प्लान्स अलग बात है, ये सब अलग बात है, लेकिन पहले फिल्म देखते हैं, पहले फिल्म देखते हैं, टोटली कुड़िये नी मेरे दिल विच बस जा। तो हमने क्रिस्टल ने पहले ही सुन लिया था गाना, रिलीज होने से पहले क्रिस्टल सुन चुकी थी, तो या तो मैं yeah. जब उसने अपनी राय दी तो मैं क्रिस्टल क्लियर था इन द हेड कि ये ठीक है बारा का। हाँ जी सुपर। यार मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फिल्म हो, कोई अच्छी फिल्म बने तो वो इन एनी केस लोगों के लिए ज़्यादा अप्रोचेबल होनी चाहिए, ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जो यू नो सोशल फ्रंट पे ज़्यादा यू नो आपको अपील करती हैं, आई थिंक इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल कैन इफ पॉसिबल कैन गिव अ लॉट ऑफ डिबेट। यार ऑनेस्टली फील कि एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, इट इज जस्ट मच बेटर लाइक दैट, बट आई मीन द गवर्नमेंट नोज बेस्ट एंड वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। Hey, we're all green. Hi. Hi. Hello. नहीं मुझे साड़ी मेरा फेवरेट आउटफिट है, तो मैंने सोचा इतना एक्साइटिंग फिल्म है, आज बहुत शुभ दिन है और ये मुझे अच्छा लगा, पहनने का मन किया तो पहन लिया। क्या विवाद है यार, कोई विवाद नहीं है सच में। हाँ प्रोटेस्ट हुए, मुझे सच में नहीं पता किसी ने बस बोला कि हाँ किसी के खिलाफ है, पर खिलाफ है नहीं, आप फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा किसी के भी खिलाफ नहीं है, बस एक हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका एक रियल रिप्रेजेंटेशन है, और हम सबको पता है कि डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है, हर जगह होता है, हम लोग करते हैं डिस्क्रिमिनेट दूसरे लोगों को, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो अरसों से होते आ रहे हैं, अभी भी हो रहा है, तो हाँ मतलब ये कोई अलग बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, पर ये फिल्म बहुत ही ऑनेस्ट रियल एक रिप्रेजेंटेशन है, और आप फिल्म देखिए तो समझ में आएगा, और एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है तो एंटरटेनिंग भी है, बहुत अच्छे एक्टर्स है, तो बहुत अच्छा लिखा गया था स्क्रिप्ट, so yeah it's shot really beautifully, so I think as a film it's a really wholesome film. Actually utne challenges the nahi, I think the intent was very correct, which was to play it as authentically as possible, and Anubhav Sinha aise director hai, wo bahut hi clear hai unko kya chahiye, to waise agar director milta hai aur jab script bahut hi अच्छा अच्छे से डिटेल में लिखा जाता है, गौरव सोलंकी जो राइटर है वो भी थे सेट पे और इतने अच्छे एक्टर्स, तो आई थिंक इट वॉजन सो डिफिकल्ट, यू नो द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वॉज एक्चुअली टू गेट द एक्सेंट राइट, एंड ताकि इधर का भी नहीं हो उधर का भी नहीं हो, करेक्ट हो और सबका एक्सेंट मोर ऑर लेस मिले, तो आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। टैक्स हाँ प्लीज़ कर दीजिए, एक्चुअली
ऐसी फिल्में बहुत सारे डायलॉग्स हैं, बहुत सारी बातचीत है जो ऐसे फिल्मों से इनिशिएट होती है, उसका शुरुआत होता है ऐसी फिल्मों से. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई माय फ्रेंड हियर इज सेइंग कि इस फिल्म को ऐसे टैक्स फ्री कर देना चाहिए. बहुत बढ़िया होगा अगर कर देते हैं, क्योंकि ये बात ऐसी बात कहती है फिल्म जो शायद बहुत लोग कहने से कतराए, और ये बहुत ही ब्रेव एक इंटेंशन से बनाई गई फिल्म है. सो आई थिंक अगर होता है तो बहुत बढ़िया होगा. थैंक यू सो मच. प्लीज़ कम वॉच द फिल्म. हाँ मैं उधर जा रही हूँ. ऐसे प्रीति, यू वांट अ फोटो विद द टू ऑफ अस.